नमस्कार, आइए चले देखें कि आज के एपिसोड में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कोई मशीन कपड़ा खिसकता नहीं है और आगे नहीं जाता। तो हमारा एपिसोड आप लोगों को देखने से खुद आपका मशीन आपके ही घर में बनाना सीख लेते हैं। आइए चले अभी दिखाता हूँ कि ये मशीन ऐसा घूमता है लेकिन कपड़े आगे नहीं जाता। जिधर पे है कपड़ा उधर ही है। कभी तुम शॉप पे लेके जाएंगे तो बताते हैं कि इसका सामान ये चले गया वो चले गया, ऐसा कोई भी नहीं है। आपका मशीन आप ही लोग अपना घर के अंदर सही कर सकते हैं। चलिए आप भी दिखाता हूँ कि मशीन को कैसे सही करने का। देखिए अभी मैं अपना एपिसोड में दिखाया, और गौर से देखिए और सीखें कि मशीन को कैसे सही करते हैं। देखिए ये मशीन का कपड़ा सही से नहीं जा रहा है। सबसे पहले इधर से कपड़ा तो निकालो। एक फ्लैट वाला स्क्रू ड्राइवर आपके पास घरों में ले रहेगा तो इसको पहले एक प्लेट बाजू से निकाल के ये साइड में रख दो, और ये जो पंजा है इसी को भी बाजू में निकाल दो। और पंजे को जब भी निकाल देते हैं इसका बैक साइड में थोड़ा सा देखो क्या पंजा सही है क्या नहीं है। सही रहेगा तो इसको कोई बदली करने का ज़रूरत नहीं है, बस इसी को भी बाजू में रख लो। और जब भी ये दो स्क्रू लगाया हुआ है, और ये दो स्क्रू को आप ओपन कीजिए। अभी तो ये दो स्क्रू ओपन हो गया, ये प्लेट भी अलग हो गया। देखिए अभी इधर जो ये जो दांत दिख रहा है, ये दांत के अंदर आप लोग जैसे धागे धागे सीते हैं उसका गंदगी, ये धागा पूरा इधर तो रहता है। इसीलिए छोटा सा स्क्रू ड्राइवर लेके इसके अंदर पहले जितना भी गंदगी है थोड़ा साफ कर लेने का। अभी आप लोगों के पास कोई भी पुराना टूथब्रश रहेगा तो इसको दांत को थोड़ा सा साफ करने का। चलो अभी तो इधर तो कोई गंदगी नहीं है और ये सही हो गया। फिर वापस क्या करने का, अभी अपना प्लेट को थोड़ा सा देखने का कि इधर तो सुई के थोड़ा बहुत खांचे लगे रहते हैं, तो हम लोग क्या करने का। देखिए मैं तुम्हारे को गौर से दिखाता हूँ, ये प्लेट कभी भी इतना ज़्यादा चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। तुम दुकान वालों के पास जाएंगे तो हर दुकान वाला पहले इसको निकाल के फेंक देता है, बताता है कि भाई ये प्लेट चले गया ये प्लेट चले गया। ऐसा आप लोग चेंज करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये प्लेट को तुम बस ऐसे ही लेने का, कोई एक आपके पास ये हिसाब से ये प्लेट को इसको पीछे के ओर रखने का, कोई भी एक राड रहेगा तो इधर से रख के हल्का सा धक्का देना। तो अभी आपका प्लेट एकदम लेवल हो गया, लेवल हो गया ना आप लोगों के पास। बाद में कोई भी आप लोग बाज़ार में कहीं भी दुकान पे जो एमडी पेपर रहता है एक पेपर अपना घर के पास रखो। इस प्लेट को देखिए इधर जितने भी खांचे पड़े हुए हैं इसको अच्छा सा थोड़ा सा उसको रफ कीजिए। ऐसा करने से आप लोग का पेट एकदम बिल्कुल सही हो गया और कपड़ा जाने में इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। अब चलो आपका प्लेट सही हो गया और पंजा सही हुआ। अभी देखते हैं कि मशीन का दांत कैसे सही करते हैं। तो आप लोग गौर से देखिए, इस जगह में एक आपके पास एक स्क्रू पड़ा है, इसको पहले धीरे से इसको ओपन कीजिए। चलो ओपन हो गया, और थोड़ा सा ऊपर करने का, ज़्यादा नहीं।
चलो ऊपर हो गया तो आपका जो दांत का है वो ऊपर आ गया। अभी प्लेट रख के चेक करने का कि कितना ऊपर आया। देखिए आपको मैं अच्छा सा दिखाता हूँ। अभी इसके अंदर दांत को तो ज़्यादा ऊपर नहीं लेने का जी, बस थोड़ा सा ऊपर लेने का। ज़्यादा ऊपर ले जाएगा तो कपड़ा आगे नहीं जाएगा, उधर ही रहेगा कपड़ा। तुम लोग बस इसको जितना मानता है समझो कि पहले लेवल था और थोड़ा सा दांत ऊपर करने का, बाद में नीचे की ओर में वापस फिर इसको फिक्स कर देने का। अभी बिल्कुल फिक्स हो गया, घुमा के देख लो कोई आवाज़ है क्या नहीं। वापस फिर प्लेट लेके आओ, दोनों स्क्रू डाल दो, वापस स्क्रू ड्राइवर से इसको फिक्स करो। अभी फिक्स हो गया, फिर वापस एक बात ध्यान रखने का, जब भी प्लेट फिट करते हैं तो थोड़ा स्वयं उतार के देखने का कि ये होल के अंदर सही है क्या नहीं। दाती की तो भाई सही तरीके से मशीन चल रहा है क्या नहीं। वापस सही है, अभी ये तो स्वयं तो होल के अंदर ही जा रहा है। फिर वापस इसको ये धाप को ले लेके इसकी जगह के अंदर पहले थोड़ा सा फिक्स करो। फिक्स होने के बाद में फिर वापस इसको नीचे उतारो, स्क्रूड्राइवर ले लेके इसको फिर वापस टाइट कर दो। अभी तो मशीन सही हो गया, चलो देखते हैं कि कपड़ा डाल के अभी कैसा खिसकता है कपड़ा। एकदम सही चल रहा है, देखिए आप लोग को ये कपड़ा सही चल रहा है। एक बात ध्यान रखने का, जब भी आप लोग काम करते हैं बच्चों को उस जगह पे नहीं आने देने का, बच्चों से सावधान रहने के लिए मैं विनती करता हूँ आपसे। देखिए आपका मशीन थकाटक करके अभी सही हो गया है। ये अभी आप लोगों ने हमारा धागा खिसकता नहीं है आपका, हमारा इस एपिसोड में हम लोग को दिखाए। आपका कोई भी प्रॉब्लम रहेगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में हम लोग को बताइए, हम लोग और भी अच्छा सा वीडियो आपके लिए बना के आपके लिए पेश करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का घंटी भी दबाना मत भूलिए। नमस्ते।